पर देश में दिन प्रतिदिन प्राइवेट स्कूल बसों में कोई ना कोई हादसा हो रहा है। ज्यादातर हादसा बस में ओवरलोडिंग की वजह से होता है। बार बार स्कूल बस हादसा होने के बावजूद भी कुछ प्राइवेट स्कूल वाले कानून की धज्जियां उड़ाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे। मंगलवार को एआरटीओ रमन शर्मा व उनकी टीम ने नूरपुर के बोर्ड में स्कूल की छुट्टी होने पर नाका लगाया और हर स्कूल की आने जाने वाली बसों की चेकिंग की। रमन शर्मा ने बताया कि टोटल 12 चालान किए, जिसमें 8 चालान स्कूल बसों के हैं और 4 अन्य चालान किए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं। उसके अनुसार और जो हिमाचल प्रदेश सरकार के जो आदेश हैं उसके अनुसार समय समय पर बसों की चेकिंग करता रहता है। बच्चों की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग का हमेशा प्रयास रहता है कि चालकों को शिक्षित किया जाए ताकि कोई दुर्घटना ना हो। जैसे कि पीछे नूरपुर में स्कूल बस हादसा हुआ था, उसके बाद सरकार इस मामले पर बड़ी गंभीर हो गई है। नूरपुर से सचिन की रिपोर्ट।